डियर स्टूडेंट्स इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट एक्स वन वाई वन टू सर्कल एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी किया था आज हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन टू सर्कल एक्स स्केर प्लस वाई स्क्यर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी As we have discussed in the previous lecture, that the slope of the tangent at the point x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2 gx plus 2 fy plus c is equal to 0 is equal to minus. एक्स वन प्लस जी डिवाइडिंग बाई वाई वन प्लस जी ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये जो हमारे ये जो हमने निकाली थी ये स्लोप थी टेंजेंट की ठीक है स्लोप ऑफ टेंजेंट थी एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन टू दिस सर्कल अब हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल लेनी है आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर होंगे तो लिहाजा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी वो इसका रेसिप्रोकल होगा आपको पता है ना कि स्लोप ऑफ दो स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन है कि एम प्राइम इक्वल हो जाएगा वन माइनस वन बाई एम यानी ये जो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के अगर पेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास इनकी जो स्लोप्स है उनका ये रिलेशन होता है कि एम प्राइम इक्वल होता है माइनस वन बाई एम सो इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्या हो जाएगी माइनस वन ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है माइनस वन ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये हो जाएगा माइनस और इन टू वन ओवर एक्स एक्स वन प्लस जी ये वन ओवर एक्स प्लस वन जी डिवाइडिंग बाई वाई वन प्लस एफ ठीक है फिर इसको ये इन्वाइट हो जाएगी तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी वो आ जाएगी वाई वन प्लस एफ डिवाइडिंग बाय एक्स वन प्लस जी ठीक है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन टू दर्कल ठीक है वो निकालनी है तो अब हम हमारी जो इक्वेशन है स्ट्रेट uh, लाइन की वो क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वन वाई वन टू इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो वाई वन वाई माइनस वाई वन इंटू वैल्यू ऑफ एम हमने अभी निकाली है कि हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो है वाई वन प्लस एफ डिवाइडिंग बाई एक्स वन प्लस जी तो वी हैव पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वाई वन प्लस एफ डिवाइडिंग बाई एक्स वन प्लस प्लस जी ठीक है एक्स वन प्लस जी एक्स माइनस एक्स वन ठीक है इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन टू दर्कल एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी ठीक है अच्छा अगर हम अगर हमारे पास सिंपल सर्कल है कि जिसका सेंटर लाइक like कर रहा है आरिजन पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ इक्वल हो जाएगा जी इक्वल हो जाएगा जीरो के एफ और जी दोनों जीरो हो जाएंगे अभी इस इक्वेशन ए में अगर एफ और जी को जीरो पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी वाई माइनस वाई

तो सबसे पहले एक फार्मूला uh, हमने उसमें भी निकाला हुआ है पहले से भी हमने स्ट्रेट लाइन के उसमें किया हुआ था कि प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन टू द पॉइंट किसी पॉइंट से किसी लाइन का लेट वी हैव अ लाइन कोई स्ट्रेट लाइन है और वी हैव एनी पॉइंट पी देन दिस प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज ए एक्स वन वेयर पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल टू एक्स वन एंड वाई वन सो दिल पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडिंग बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर ठीक है ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओके अब हमने क्या किया है कि एक्स की जगह पर एक्स वन पुट किया है वाई की जगह पर वाई वन पुट करना है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडिंग बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसका हमने मॉड लेना है क्योंकि डिस्टेंस है डिस्टेंस बी पॉजिटिव वैल्यू देर इज नो नेगेटिव सेंस ऑफ डिस्टेंस सो ये इनका मॉड होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडिंग बाई एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर ठीक है अच्छा जी अभी एक एग्जाम्पल करते हैं डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद इट्स एट माइनस फोर एंड टू एंड टेंट टू लाइन देखें अब एक ऐसा सर्कल हमने फाइंड करना है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं ठीक है जो कि और एक लाइन जो है टेंजेंट है इस सर्कल पर ठीक है जो कि टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो ठीक है अच्छा जी वी नो दैट इन टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इज टू जीरो ए आपके पास टू है बी आपके पास फोर है ठीक है तो अब हमने क्या करना है हमने रेडियस आप देखें वो कहता है कि ये आप देखें हमारे पास सर्कल कैसे बनेगी लेट वी हैव आ सर्कल ठीक है दर्डिनेट ऑफ सेंटर आर सेंटर के कोऑर्डिनेट किया है माइनस फोर एंड टू दिज दीज आर दर्डिनेट ऑफ द सर्कल स्टार्ट अच्छा स्टूडेंट्स देखें ये आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल दिए गए माइनस फोर एंड टू अगर आप इसकी पिक्चर देखें कि लेट वी हैव द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ सेंटर फोर एंड टू और लेट वी हैव अ लाइन विच इजेंज एंड टू दिस सर्कल देन द पॉइंट विच इज कॉमन टू द सर्कल एंड द लाइन तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सेंटर विल बी द रेडियस अब हमने रेडियस कैसे निकाल लेंगे हमने रेडियस निकालना है कि डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस या प्रिपेनिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन ठीक है ना जैसे अभी हमने एक फार्मूला निकाला है तो हमारे पास अब ये जो गिवन लाइन है इसके कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू टू है और बे बी इज इक्वल टू फोर है और एक्स वन यानी इसको आप एक्स वन और वाई वन समझ लें तो ये हो जाएगा टू एक्स वन प्लस फोर वाई वन माइनस सिक्सटीन क्योंकि इस इक्वेशन में आपने एक्स और वाई की जगह पर एक्स वन और वाई वन पुट करना है और डिवाइडिंग बाई हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ये आपने एक्स वन की वैल्यू लगा दी जो कि माइनस फोर है इसी तरह वाई वन की वैल्यू लगा दी जो कि टू है आपके पास ये आ जाएगा एट माइनस एट प्लस एट माइनस एट और प्लस एट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपके आप पास आ जाएगा माइनस सिक्सटीन अब माइनस सिक्सटीन का जो मार्ड है और नीचे क्या आएगा फोर का टू का स्केल फोर और फोर का स्केल सिक्सटी तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी ये अंडर रूट ट्वेंटी आ गया ऊपर आपका क्या है कि आपके पास ट्वेंटी जो है इसको हम लिखते हैं यानी ट्वेंटी हमारे पास कैसे होता है एक्चुअली ट्वेंटी को हम आ, रूट्स में अगर लिखना चाहें फोर प्लस फाइव ठीक है तो हमारे पास इस फोर को बाहर ले आते हैं इक्वेशन से बाहर इसे रूट से बाहर ले आते हैं तो हमारे पास ऊपर से ये चूंकि मार्ट इसको सिक्सटीन ए, ए, करेगा नेगेटिव साइन ख़त्म होगा इस मार्ट की वजह से और डिवाइडिंग बाय हो जाएगा टू इंटू अंडर रूट फाइव ये जो फोर है ये आपके पास टू होकर बाहर आएगा और ये फिर इससे ये रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी एट डिवाइडिंग बाई फाइव ये आपके पास आ गया एट अंडर रूट फाइव ठीक है ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ़ द रेडियस अब देखें सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है रेडियस के अकॉर्डिंग रेडियस की वैल्यू आपने निकाल ली अब सिंपली हमने क्या करना है रेडियस का स्क्वायर लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फोर डिवाइडिंग बाई फाइव अब हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है जो कि हमारे पास क्या होती है एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केर इज इक्वल टू आर स्केयर ठीक है हमारे पास जब हमने जब भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी होती है तो वी नीड टू थिंग्स एक हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो एक हमें रेडियस के ठीक तो है, है।, है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेडियस के रेडियस हमने निकाल लिया रेडियस अगर हमारे पास हो जाए और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हो गए हैं तो अब हमारे पास सिंपल है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना तो यहाँ से एक्स प्लस फोर होल स्केयर एच की वैल्यू आपके पास पता है कि माइनस फोर है और के की वैल्यू माइनस टू है तो ये हो जाएगा टू है सारी तो ये माइनस टू होगा और ये माइनस फोर था तो इसलिए प्लस फोर होगा यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्केयर माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी फोर बाई फाइव इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है फाइव एक्स स्यर प्लस फाइव वाई स्केयर प्लस फोर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी वाई प्लस थर्टी सिक्स जी हमारी फाइनल और भी इसमें उसमें स्टेप वाइज किया ये इतना मुश्किल नहीं है आप इसको कर सकते हैं ये आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आएगी ठीक है अच्छा अब हमने एक और प्रॉब्लम करते हैं कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इस टैगे टू द लाइन एट द पॉइंट देखें अब हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट दिया गया है कि जो सर्कल पर लाई कर रहा है दूसरी बात उसने क्या कहा है कि एक लाइन है जो कि टेंजेंट है उसी सर्कल पर और टेंजेंट किस पॉइंट पर है टेंजेंट का पॉइंट है फोर एंड थ्री ओके ये ए एक पॉइंट ए है माइनस टू एंड वन और बी पॉइंट आप समझ लें कि फोर एंड थ्री है यानी आप यूं समझ लें कि आपके पास लेट वी हैव अ सर्कल ठीक है थी। एक सर्कल है और एक पॉइंट है कोई पॉइंट जो उसने दिया है जो कि आपके पास जिसको हमने ए का नाम दिया है लेट इट इज माइनस टू एंड वन माइनस टू एंड वन ठीक है और दूसरा पॉइंट कौन सा है जो कि ये लाइन कोई एक लाइन जो पास कर रही है किसी सर्कल से जहाँ पर वो टच कर रही है इसको सर्कल को वो पॉइंट है आपके पास फोर एंड थ्री ठीक है अब ये दो पॉइंट हैं इस सर्कल पर तो अगर आप आपने हम हमें अब क्या चाहिए हमें जो हमारा नॉर्मली हमने सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ठीक है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस अच्छा पहले हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट ए का डिस्टेंस ये रेडियस के इक्वल है यानी ये अगर सी हो सी के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है सी के कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं एच और के ठीक है एच और के से जो डिस्टेंस है ए का वो भी आर के इक्वल है सिमिलरली एच और के से जो डिस्टेंस है बी का यानी जो पॉइंट बी है जो कि आपकी लाइन को टच कर रहा है वो भी रेडियस की इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि हम इधर से एक इक्वेशन बनाते हैं कि ए सी ए सी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से मस्ट बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू रेडियस आर स्क्वा ठीक है समझ आई है ना बात की कि ये आपके पास रेडियस ही है ये ये पॉइंट यहाँ तक पॉइंट यहाँ तक आए तो ये रेडियस ही होगा तो ए सी स्केयर हो जाएगा बी सी स्केयर इक्वल हो जाएगा आर स्केयर के यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है इसको दिस विल बी इक्वल टू तो आर स्केयर तो आपके पास यहाँ क्या है ए के कोऑर्डिनेट जो है आपके पास है माइनस टू एंड बी के सी के कोऑर्डिनेट हैं एच एंड के तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच माइनस माइनस टू जब करेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा और प्लस के माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू अब बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास फोर एंड थ्री तो h माइनस फोर होल स्केयर प्लस के माइनस थ्री होल स्केयर इसका अब हमने जब सेंटर से कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस लिया है डिस्टेंस फार्मूले से तो हमारे पास ये आ गया इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है यहाँ से एच स्क्र आ जाएगा प्लस फोर एच प्लस फोर और प्लस के स्क्यर माइनस टू के प्लस वन और यहाँ से क्या आएगा एच स्क्र प्लस एट एच प्लस सिक्सटीन ये ए स्केयर प्लस बी और माइनस टू ए बी इसी तरह ए स्क्यर के स्क्यर माइनस टू ए बी माइनस सिक्स के और प्लस सिक्स प्लस नाइन थ्री यहाँ से एच स्केयर और यहाँ से एच स्केर एच स्केर कैंसल आउट और के केस और के एस कैंसिल आउट ये तो सिंपली आपने कैंसिल कर देने है। ये एच गया यहाँ से एच गया ये के गया और ये सिर्फ ये के गया ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर आप देखें कि इधर आपके पास आ गया फोर एच और जहाँ माइनस एट एच है तो इसको जब इक्वेशन के इधर लाएंगे तो फोर एच प्लस एट एच सिमिलरली यहाँ पर आपके पास माइनस टू के है और जहाँ पर आपके पास माइनस सिक्स के है इस माइनस को इधर जब लाएंगे तो ये प्लस सिक्स के हो जाएगा और जहाँ पर आपके पास देखें फोर प्लस वन फाइव हो गया और इक्वेशन के उधर आपके पास है नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव जब प्लस ट्वेंटी फाइव इसको जब इक्वेशन के इधर लाएंगे तो ये माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और तमाम पूरी की पूरी इक्वेशन अब हमारे पास इक्वल हो जाएगी जीरो के यहाँ से देखें ट्वेल्व एच है यहाँ से आ जाएगा एट एच माइनस एट सॉरी माइनस टू के प्लस सिक्स के तो फोर फोर के और माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अब इसमें अगर आप फोर की टेबल इसको फोर से डिवाइड कर दें थ्रू आउट तो आपके पास आ जाएगा थ्री एच प्लस के माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन को हमने दिस इज इक्वेशन वन अच्छा अब हमने क्या करना है अब हमने लेना है जो गिवन लाइन है जो गिवन लाइन है हमारी वो क्या है वो हमारे पास थी टू एक्स थ्री एक्स जो गिवन लाइन है थ्री एक्स माइनस टू बाय और माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब हमने इसकी जो गिवन लाइन है उसकी जो स्लोप है स्लोप ऑफ द प्रिपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू माइनस ए बी जो कि आपके पास हो जाएगी माइनस थ्री ओवर यानी ये आपका ए था ए जहाँ पर आपके पास थ्री है और बी आपके पास माइनस टू है तो माइनस थ्री माइनस टू ये टू बाई थ्री यानी जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप जो है आपके पास आ रही है थ्री बाई टू थी। ठीक है अब स्लोप ऑफ बी सी बी सी की जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी इन दोनों को यानी एक दूसरे दु, के प्रिपेंडिकुलर हो जाएंगे ना यानी स्लोप ऑफ जो इस लाइन की स्लोप है देखें आपको मैंने शक्ल बना के भी दिखाया है कि लाइन आपकी यूं जा रही है इस लाइन की जो स्लोप है और दूसरी लाइन है बी सी ये दोनों स्लोप जो है एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर होंगी इसकी स्लोप जो है आपके पास है माइन टू बाई थ्री तो जो प्रिपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी माइनस यानी वो आ जाएगी आपके पास आ, एम स्लोप ऑफ बी सी माइनस इंटू स्लोप ऑफ एम वो जो अभी हमने निकाली है एम इजी ये होना चाहिए माइनस वन के इक्वल तो उसकी स्लोप जो है वो आपके पास इस, इधर हमने दो पॉइंट फार्म से स्लोप निकाली है ना ये दो पॉइंट फार्म है इससे स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है बाई टू माइनस वाई वन यानी के माइनस थ्री डिवाइडिंग बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एच माइनस फोर ठीक है के माइनस थ्री डिवाइडिंग बाई एच माइनस फोर मल्टीप्लाइड विथ थ्री बाई टू यानी इसकी जो लाइन की स्लोप है वो है थ्री बाई टू और इसकी स्लोप हमने टू पॉइंट फार्म से निकाल ली है के माइनस थ्री डिवाइडिंग बाई एच माइनस फोर इसका आंसर माइनस वन आना चाहिए यहाँ से हमारे पास एक आ जाएगा थ्री इंटू एक के माइनस थ्री इज टू माइनस टू इंटू एच माइनस फोर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी थ्री एच प्लस थ्री के प्लस प्लस ना, ना, माइनस नाइन और जहाँ से हम मेरे पास बचेगा माइनस टू एच माइनस एट प्लस एट तो ये प्लस एट माइनस प्लस एट इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर ऑलरेडी माइनस नाइन था तो नाइन माइनस एट हो जाएगा आपके पास सेवेंटीन और ये आपके पास टू एच माइनस में था इक्वेशन के उधर ले आए हैं तो यूँ हो जाएगा ठीक है इसको थोड़ा अगर एक दफ़ा देख लें कि ये आपके पास क्या आता है थ्री के माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस टू एच और प्लस एट ओके okay. अब ये टू एसी इधर आएगा इक्वेशन के इधर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस नाइन है और ये एट इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा तो ये माइनस सेवनटीन हो जाएगा इक्वल टू जीरो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन ठीक है एक इक्वेशन हमने पहले जो बनाई थी उसमें एच और के एक्चुअली हमारा प्राइम मकसद जो है वो एच और के की वैल्यू निकालना है ना तो एच और के की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए एक इक्वेशन हमने ये बनाई थी अब दूसरी इक्वेशन हमने ये बना ली है अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एच और के की वैल्यू आ जाएंगी अब क्या है कि इक्वेशन थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा नाइन एच प्लस थ्री के माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास थी टू एच प्लस थ्री के माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू जीरो इसको अब हम माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन टू को फ्रॉम इक्वेशन वन तो यहां से हमारे पास के के कैंसिल आउट हो जाएगा ये आ जाएगा नाइन एच प्लस टू एच नाइन एच माइनस टू एच इज टू सेवन एच सिमिलरली माइनस फिफ्टीन और प्लस सेवनटीन तो यहाँ से टू बचेगा सेवन एच इज इक्वल टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरोन एच विल भीक्वल टू माइनस टू बाई सेवन एच की वैल्यू आ गई इन दो नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अब एच की वैल्यू जो हमारे पास आई है माइनस टू बाई सेवन इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर तो हम पुट करके तो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे फर्ज करें कि इसको हमने इक्वेशन वन में डाला है इक्वेशन वन में हमारे पास था थ्री इंटू एच और प्लस के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा थ्री इंटू एच और प्लस के माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो स्टार्ट अच्छा जी इक्वेशन वन हमारे पास थे थ्री एच प्लस के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो के एच की वैल्यू डाल दी माइनस टू बाई सेवन प्लस के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आपके पास K की के की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन के जो 5 जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स बाई सेवन माइनस है ये भी ये भी इक्वेशन के प्लस हो जाएगा इन दोनों को जब हमने ऐड किया सेवन फाइव थर्टी फाइव प्लस सिक्स फोर्टी वन बाई सेवन ऑफ के विल बी इक्वल टू फोर्टी वन बाई सेवन ठीक है अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है एच और के की वैल्यू हमारे पास आ गई अब हमने रेडियस निकालना है रेडियस अगर आपको याद हो तो रेडियस हमने कहा था कि ए सी का स्क्वायर जो है वो रेडियस के इक्वल है ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा ए इंटू सी के कॉर्डिनेट हमने लिए थे तो ये के माइनस के प्लस टू था और एच प्लस टू था और के प्लस वन माइनस वन था तो ये हमने इनकी वैल्यू डाल दी है तो ये हमारे पास ट्वेल्व बाई सेवन आ गया यहाँ से और जहाँ से आ गया थर्टी फोर बाय सेवन सेवन एल सी एम जब इसका वो लिया स्केर लिया तो ये हो जाएगा ट्वेल्व का स्केयर और प्लस थर्टी फोर का स्केयर इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्टीन हंड्रेड डिवाइडिंग बाई फोर्टी नाइन अब फॉर्टी नाइन जो है उसको अब हमने रूट से बाहर निकल अच्छा स्क्वायर कर लिया अब दोनों साइड से स्क्यर कर लिया तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई थ्री थर्टीन हंड्रेड डिवाइडिंग बाई फोटी नाइन अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो कि एक्स प्लस एच होल स्केर है एक्स माइनस एच होल स्केयर वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्क्र तो एक्स और एच की वैल्यू चूंकि माइनस सेवन टू बाई सेवन है तो ये प्लस टू बाई सेवन है प्लस वाई और के की वैल्यू हमारे पास फॉर्टी वन बाय सेवन है तो ये होल स्केर इज इक्वल टू थर्टी हंड्रेड डिवाइडिंग बाई फोर्टी नाइन जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई सेवन एक्स स्केर प्लस सेवन वाई स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस एटी टू प्लस फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल